सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस स्पेशल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रिस स्पेशल में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष में यानी कि चैत्र नवरात्रि में आपके यानी कि वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। वृषभ राशि वालों, इस नवरात्रि में एक महान संयोग लग रहा है जिसमें आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा। इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। दोस्तों, इससे पहले यानी कि 11 अप्रैल 1842 के बाद ये महासंयोग इस नवरात्रि में लगने वाला है। इस नवरात्रि में वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इस नवरात्रि में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं, आपके व्यापार में, आपके कामकाज में इस नवरात्रि से पहले आपको अड़चनों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो अब आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि 25 मार्च 2020 के बाद आपके कामकाज से अड़चने दूर हो जाएगी। आपका कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो 25 मार्च के बाद यानी कि नवरात्रि के शुरू होने के पश्चात आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा तो आपका कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इस अवधि में यानी कि 25 मार्च के बाद आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपको माता का आशीर्वाद काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होने वाला है, लेकिन एक समस्या है और वो समस्या ये है कि नवरात्रि के बाद आपके दुश्मन सतर्क हो जाएंगे। दुश्मन आपको परेशान करने का हर संभव प्रयास करने वाले हैं, तो बस यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। दुश्मन के गतिविधि पर आपको नज़र देना होगा। अगर दुश्मन को आप इग्नोर करते हैं तो वो आपको परेशान काफ़ी ज़्यादा करेंगे, इस बात को आप याद रखें। अगर दुश्मन से आप एक कदम आगे चलते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का साथ आपको मिलेगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वृषभ राशि वालों, अगर अभी तक आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी पाने के लिए आप तरस रहे हैं, तो अब आप चिंता छोड़ दें। नवरात्रि के बाद अगर आप नौकरी पाने का तलाश करते हैं, आप नौकरी खोजते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर जॉब मिलेगी और आपका आने वाला समय, आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपके प्रेम संबंध की ओर देखा जाए तो नवरात्रि के बाद आपका प्रेम संबंध भी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अब आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के बाद आप अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे देती है तो आपका प्रेम संबंध बहुत ही ज्यादा शानदार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके धन संपत्ति की ओर देखा जाए तो आप पैसे कमाने में सफल होंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं, आप फालतू खर्च करते हैं, तो यह फिर आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आप पैसे खर्च वहीं करें जहां आवश्यकता हो, जहां ज़रूरी नहीं हो वहां आप धन खर्च बिल्कुल भी ना करें। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो 25 मार्च के बाद का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। वृषभ राशि वालों, अगर आप नवरात्रि से पहले बीमार चल रहे थे, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। माँ दुर्गा का पूजा पाठ करें। नवरात्रि अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप नवरात्रि करें, आपका आने वाला समय सही रहेगा।
और बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वृषभ राशि वालों, यही था 178 साल बाद लग रहा महासंजोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और ब्रिस स्पेशल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।